आज की क्लास में हम एमएस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 में असाइनमेंट नंबर 10 करने वाले। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू लॉन्च ए रॉकेट यूजिंग पिक्चर बॉक्स एंड टाइमर कंट्रोल। रॉकेट लॉन्चिंग का एनिमेशन तैयार करना है हमको। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है मेरा, ये जो फॉर्म है इसको सबसे पहले मैं सेट करूँगा। सबसे पहले देखिए, अब जब मैं रन करता हूँ इसको तो फॉर्म एक तो सेंटर में नहीं आ रहा है, ऊपर से ये जो फॉर्म है वो आधे साइज का है। तो मैं इस फॉर्म को पूरा फुल स्क्रीन पे और सेंटर लाना चाहता हूँ। तो इसमें दो सेटिंग होती है, फॉर्म पर मैं जाऊँगा और यहाँ विंडो स्टेट में ले लूँगा मैक्सिमाइज और स्टार्टअप पोजिशन में ले लेंगे सेंटर स्क्रीन। ऐसा करने से फॉर्म जो है ये सब फुल स्क्रीन पर आउटपुट में जब रन करेंगे तो आएगा। दूसरा, अगर हमको रॉकेट लॉन्चिंग करनी है तो यहाँ पर इसका जो कलर है हम बैक कलर क्या लेंगे, यहाँ पर ब्लैक, ताकि ये स्पेस जैसा या स्काई जैसा कुछ दिखे। इसको ब्लू भी आप ले सकते हैं ताकि वो स्काई जैसा ये कुछ थीम आपको दिखाई दे। अब हमको यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स और एक टाइमर कंट्रोल लेना है और उससे यहाँ पर हमको चालू करना है रॉकेट लॉन्चिंग। तो रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए हम क्या, यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक पिक्चर बॉक्स बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स बना लेता हूँ। आप पिक्चर के बदले इमेज बॉक्स भी ले सकते हैं ताकि रॉकेट की एक अच्छी खासी इमेज यहाँ पर आ जाए। क्लियर। तो रॉकेट की एक अच्छी खासी इमेज आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है तो आपके पास एमएस वर्ड है जिसमें क्लिप आर्ट में आपको रॉकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता तो आप नेट से भी उसको निकाल सकते हैं। तो मैं इंसर्ट में क्लिप आर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको रॉकेट रॉकेट करने पर कई सारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। इनमें से कोई भी एक अच्छी इमेज जो आपको पसंद है रॉकेट की वो आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज थोड़ी कुछ इमेजेस नेट से भी डाउनलोड होती हैं इसमें। अगर ये इस तरीके से आपके पास सिस्टम पे नहीं है, वेब से डाउनलोड हो रही है, तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रॉकेट की एक इमेज डाउनलोड कर ली है जो कि थोड़ा सूट करेगी और ये पीएनजी इमेज है इसलिए और ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी। तो सबसे पहले इस इमेज को आपको करना ये है, या और अच्छा अट्रैक्टिव इमेज क्रिएट करना है तो इस तरीके का आप रॉकेट का कोई भी इमेज यहाँ से ले लीजिए और इस इमेज को आपको पहले अपने कंप्यूटर पर रेडी करना है। कंप्यूटर पर रेडी करने के लिए बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पर इसको इमेज को रेडी करते हैं, इमेज यहाँ लाते हैं, तो हमेशा इमेज ये बीच में नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर पर होनी चाहिए इमेज। अदरवाइज ये इमेज जो है आपको उस पर डिस्प्ले नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप करने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दीजिए ताकि वो उसके बैकग्राउंड के साथ वो मैच खाता हुआ दिखाई दे। क्लियर। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। याद रखिए हमने डेस्कटॉप पर रॉकेट नाम से सेव किया है रॉकेट, और इसको जेपीजी ले लिया मैंने। रॉकेट नाम से एक इमेज सेव कर ली है। अब इस इमेज को, अब यहाँ पर एमएस वर्ड का काम हमारा ख़त्म हो गया है और हम विजुअल बेसिक में आ जाते हैं। विजुअल बेसिक में आने के बाद हमको इस पोजीशन पर उस इमेज को सेट करना है। तो हमको करना क्या है, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पर एक पिक्चर प्रॉपर्टी होती है, पिक्चर प्रॉपर्टी में जाके हमको उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप में हमारा पिक्चर है रॉकेट नाम से, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको वो पिक्चर दिख भी जाएगी, अदरवाइज नहीं दिखती है तो ये रॉकेट दिख रहा है। तो आप यहाँ पर रॉकेट क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये टॉप मोस्ट कॉर्नर पे होने की वजह से ये इस तरीके से आ गया है। पिक्चर की साइज़ हालांकि काफ़ी बड़ी है, आप उसको ऐसा छोटा भी कर सकते हैं, बट लेफ्ट कॉर्नर ही हमेशा विजिबल होता है, इसलिए आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ही रखने बोला गया था, अदरवाइज वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर को एडजस्ट कर लिया है। अब ये रॉकेट हमारा बन के तैयार है पिक्चर बॉक्स में। आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है रॉकेट। क्लियर है। इसको और थोड़ा सा नीचे पोजीशन पे ला देते हैं ताकि ये हमारा रॉकेट ऐसा दिखाई दे। अब हमको यहाँ पर इस रॉकेट को चलाना है,
तो यहाँ पर एक टाइमर लेना पड़ेगा और टाइमर का इंटरवल आप सेट कर लीजिए, जो भी इंटरवल आपको करना है। जितना कम इंटरवल रखेंगे उतना रॉकेट जो है तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जितना ज़्यादा इंटरवल होगा, जैसे मैंने 200 लिया, आप 300 400 भी ले सकते हैं, तो मैंने 200 या 150 भी आप ले सकते हैं। अब आपको करना ये है कि इस पर कोड करना है इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो ऊपर ले जाने का कोड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टॉप में, इसका जो टॉप पोजीशन है आप देखेंगे, इसमें प्रॉपर्टी होती है टॉप नाम की, इस टॉप प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 4922। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है, 4-6 कम होती है। कम मतलब इनके बीच का जो गैप है, ये टॉप वाली जो लाइन है इनके बीच का गैप कम होना, ऐसा। अभी टॉप का जो गैप है देखिए, टॉप 0 है, इसका मतलब इसका गैप जो है वो कम हो गया। जैसे जैसे टॉप बढ़ेगा वो नीचे आएगा, हमको उसके टॉप को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कोड होगा, इमेज 1.top, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं हम लोग, इमेज 1.top -52 जो भी है, आप इस तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे मैं इसको रन करूँगा, पहले तो फॉर्म ब्लैक कलर का होगा, पूरी स्क्रीन पर आएगा, और टॉप धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो रॉकेट कलर का सा धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। इसकी स्पीड बढ़ानी है तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका इंटरवल, फॉर्म का जो इंटरवल है जो 150 है, उसको कम कर दीजिए, आप इसको 40 कर दीजिए। तो देखिए रॉकेट किस तरीके से आपको दिखाई देगा ऊपर जाते हुए, तो धीरे धीरे ये ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से रॉकेट जो है आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप और भी सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके जो मैंने कोड लिखा है -4, इसको मैं लिख देता हूँ -20, और थोड़ी स्पीड से दिखाई देगा रॉकेट आपको लॉन्चिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रॉकेट लॉन्चर का जो हमारा प्रोग्राम था, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग का हमको एनिमेशन तैयार करना था विजुअल बेसिक में, ये हमारा होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो इस रॉकेट लॉन्चिंग को आप थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे काउंटडाउन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, इस तरीके की कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पर इफ़ेक्टिव तरीके से ला सकते हैं। तो काउंटडाउन स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला मैकेनिज्म है, मैं यहाँ पर एक स्टार्ट बटन बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन बनाया, और अब मैं चाहता हूँ कि रॉकेट अपने आप लॉन्च ना हो, जब मैं इसमें स्टार्ट पे क्लिक करूँ तब लॉन्च हो। सबसे पहले मुझे इस टाइमर को डिसेबल करना होगा, यानी इनेबल को फॉल्स करना होगा, और जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो क्या होगा, टाइमर 1.enable ट्रू हो जाएगा, यानी कि पहले से ट्रू था उसको मैंने फॉल्स कर दिया, यानी अब मैं जब रन करूँगा तो रॉकेट रुका रहेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो टाइमर चालू हो जाएगा और रॉकेट जो है ऊपर जाना चालू कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रॉकेट की स्टार्टिंग पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि कब रॉकेट ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा, क्लियर। और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे रॉकेट की आपको डायरेक्शन सेट करनी है कि रॉकेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर इसकी स्पीड सेट करनी है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 10, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग करना है हमको पिक्चर या इमेज बॉक्स और टाइमर कंट्रोल के द्वारा।